अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, और जो आज चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। स्टार्टिंग से एंड तक देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। और हम हर वीडियो के आखिरी में कुछ करेंगे न्यूमेरिकल्स। लोग क्या करते हैं, एक साथ सारे न्यूमेरिकल्स करा देते हैं, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। हम हर कॉन्सेप्ट के बाद उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, ताकि आप और बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाए, रिलेट कर पाए और समझ पाए। सो स्टे ट्यून्ड टिल द वेरी वेरी एंड फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। आज जो आप मुझे देख पा रहे हैं, इमेजिन इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो क्या आप देख पाते? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या आपके घर की लाइट भी चल रही होती? नहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, उसको कैसे स्टडी करते हैं, कैसे उसका फ्लो होता है, कैसे कैसे वो उसका सिस्टम कनेक्टेड है, असेंबल्ड है, ये सब हम करने वाले हैं इस चैप्टर में। आज की जो वीडियो होगी वो डेडिकेटेड होगी कॉन्सेप्ट्स के लिए। स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी है द प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज। द प्रेजेंस या फ्लो ऑफ चार्ज का होना इलेक्ट्रिसिटी है। और वो जो प्रेजेंस या फ्लो हो रहा है वो कहां हो रहा है? वो हो रहा है एक कंडक्टर में। कहां हो रहा है? एक कंडक्टर में। अब कंडक्टर क्या होता है, क्लास 6-7 में हमें बताया जाता है। कंडक्टर वो सब्सटेंस या वो ऑब्जेक्ट है विच अलाउज द फ्लो ऑफ चार्जेस और करंट थ्रू इट। वो अलाउ कर रहा है कि उससे चार्ज या करंट का जो फ्लो है वो हो पाए। जैसे कि हमारे मेटल्स जो होते हैं, मेटालिक वायर इज एन एग्जाम्पल। तो जो मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रही हूँ, इट इज द प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज कहाँ पे? एक कंडक्टर में। इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक भी हो सकती है और करंट भी हो सकती है। इसका क्या मतलब है वो मैं थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगी, जब मैं आपको चार्जेस और करंट समझा दूंगी कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी कैन बी स्टैटिक ऑल्सो एंड करंट ऑल्सो। आगे चलते हैं। मैंने बोला फ्लो ऑफ चार्ज, तो ये चार्ज जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? जैसे कि कोई भी एटम का मास होता है, वो इस मास एक एटम की बेहद जरूरी, बहुत जरूरी कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी है। सिमिलरली चार्ज भी किसी भी एटम का बहुत ही जरूरी फंडामेंटल प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक है। एंड चार्ज जो होता है हमें अच्छे से पता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। हमें पता है जो चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। और हमें ये भी पता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ये लाइक चार्जेस है, सेम चार्जेस है ना, तो वो जो होते हैं वो करते हैं रिपेल। रिपेल मतलब एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। और जो अनलाइक चार्जेस है, अनलाइक मतलब ऑपोजिट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये जो होते हैं अनलाइक चार्जेस वो करते हैं अट्रैक्ट, एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं अपनी ओर, तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और जो चार्ज होता है उसका जो ऐसा यूनिट होता है वो कूलम, सी कूलम होता है। और चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं हम विद द अल्फाबेट क्यू, विद द अल्फाबेट क्यू। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चल के आपको ये समझाना चाहती हूं मैं बोल रही हूं कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। और अगर मैं वही प्रोटॉन की बात करती तो प्रोटॉन का हो जाता, सिंस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो माइनस की जगह बस प्लस हो जाता, +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। और एक और चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो होते हैं 6.25 × 10⁻¹⁸ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आप बोलेंगे बुक में तो 6 दिया हुआ है, 6 × 10⁻¹⁸ उन्होंने उसको राउंड ऑफ कर दिया है। इसको अगर याद नहीं रखना चाहते तो आइए मैं आपको एक फॉर्मूले से निकालना सिखाती हूँ, बुक में नहीं दिया हुआ फॉर्मूले से, लेकिन आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्स में, बोर्ड्स में, 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। सो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है Q = n × E, जहां पे Q मेरा है टोटल चार्ज, n मेरा क्या है, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E है चार्ज जो है एक इलेक्ट्रॉन पे, E है मेरा चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया है, Q = n × E, जहां पे Q है मेरा टोटल चार्ज और n है मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। आइए इस फॉर्मूले के थ्रू मैं ये आंसर को डिराइव करती हूँ आपके लिए। अगर मैंने बोला कि मुझे निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज मुझे n निकालना है इससे, तो n क्या हो गया, n हो गया Q/E और Q क्या है मेरा, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखते हैं, मैंने बोला 1 कूलम चार्ज, मैंने क्या बोला 1 कूलम चार्ज, तो Q क्या हो गया मेरा, Q हो गया 1 और 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, क्लियरली −1.6 × 10⁻¹⁹. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आपको मिलेगा अपना ये आंसर, विच इज 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स और ये होगा आपका आंसर। अगर आपके सॉल्यूशन में कोई माइनस आता है तो उसे इग्नोर करेंगे, बिकॉज हम नंबर ऑफ समथिंग बोल रहे हैं। अगर मैं पूछूं आपके पास कितने बनानास हैं, आप −5 नहीं बोल सकते, कोई भी क्वांटिटी के आगे जो हमारा माइनस का साइन होता है वो नहीं आता, तो आंसर सिर्फ उसकी न्यूमेरिक वैल्यू होगी। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया कि जो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज है वो कहां से डिराइव हुआ है, उसका फॉर्मूला क्या है, तो आइए आगे जाके समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिक्यूलर एरिया इन यूनिट टाइम। क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना चार्ज एक पर्टिकुलर एरिया से निकल रहा है, फ्लो हो रहा है इन यूनिट टाइम। तो क्या मैं इसको अल्टरनेटिवली डिफरेंट लैंग्वेज में बोल सकती हूँ, द रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये भी बोल सकती हूँ मैं एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन में इसके इलेक्ट्रिक करंट में। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज अ वेरी गुड डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट है वो है हमारा एम्पेयर, वो है हमारा एम्पेयर, जो कि एक साइंटिस्ट, हमारे फ्रेंच साइंटिस्ट थे एक, जिनका नाम था एंड्रे मैरी एम्पेयर। क्या नाम था उनका, एंड्रे मैरी एम्पेयर, इनके नाम पे रखा गया ये ऐसा यूनिट विच इज एम्पेयर। और इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सिंबल आई, आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर डेफिनेशन के हिसाब से मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहती हूँ तो आइए बनाते हैं। अमाउंट ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम बोल रहे हैं, तो चार्ज होता है क्यू और टाइम हो गया टी, तो फॉर्मूला हो गया Q/T। सिंपल था, जहां पे क्यू है हमारा नेट चार्ज और टी है मेरा टाइम। तो ये आ गया मेरा इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला, I = Q/T, ये था मेरा इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। तो वैसे तो इसे एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर छोटी क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट है तो उसे दो और यूनिट से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला है मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को छोटा सा m और a से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड 1 मिली एम्पियर इज 10⁻³ एम्पियर। दूसरा जो ऑप्शन है उसको रिप्रेजेंट करने का वो है माइक्रो एम्पियर, जिसे म्यू, म्यू इज द साइन, म्यू a से रिप्रेजेंट
प्रेजेंट करते हैं और म्यू ए आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है बट आई रिपीट इट फॉर यू म्यू ए एंड इसका ये कितना एम्पियर होता है ये होता है 10^-6 एम्पियर तो मिली हो गया -3 है ऊपर एंड माइक्रो में ऊपर -6 है तो जब छोटे क्वांटिटीज ऑफ करंट होते हैं तो इन दो यूनिट से आप उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं और अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना चाहती हूँ तो एक डिवाइस यूज होता है जिसका नाम है एमीटर और वो सीरीज में कनेक्टेड होता है आप बोलेंगे सीरीज का मतलब क्या है हम आगे जाके जब कॉम्बिनेशन समझाएंगे पैरेलल सीरीज का ये कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा जो कि हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ऑल्सो वन मार्क में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि 1 एम्पियर करंट क्या होता है 1 एम्पियर का मतलब क्या है तो बहुत इजी सी चीज है 1 एम्पियर है फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड 1/1 आंसर आ गया 1 एंड दैट इज 1 एम्पियर ये तो आपको आ गया होगा समझ एक और चीज जो अब आपने समझनी है पहले जब फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही थी डिस्कवरीज हो रही थी तब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कोई नहीं जानता था इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर उसके बारे में बात किसी ने नहीं की थी तो इसीलिए तब के टाइम पे फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस को इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता था बट अगर अभी मैं बात कर रही हूँ चार्ज की तो यहाँ मेरा मतलब इलेक्ट्रॉन्स ही है लेकिन तब के टाइम पे फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस को ही इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता था इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता था और उसी की डायरेक्शन को जो डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्जेस की उसी को इलेक्ट्रिक करंट की भी और चार्जेस की भी डायरेक्शन मानी जाती थी एंड तब के टाइम पे बात करें अगर नोटिस किया जाए दैट डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्जेस एंड कन्वेंशनली जो था कन्वेंशनली नेगेटिव चार्जेस की डायरेक्शन के ऑपोजिट ही चार्जेस का फ्लो माना जाता था जो कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस से रिलेट किया जाता था तो कन्वेंशनली ये बोला जाता था बट अब धीरे धीरे जैसे डिस्कवरीज आई तो काफी चेंजेस भी आए आइए अब आगे चलते हैं और बात करेंगे आपको बताएंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स अब आगे चलते हैं हमने बात की थी कि इलेक्ट्रिसिटी 2 टाइप्स की होती है एक स्टैटिक और एक करंट इसका मतलब समझाती हूँ मैं आपको बहुत ही लेमन लैंग्वेज में हम क्या करते थे बचपन में एक स्केल लेते थे अपने बालों से उसको रब करते थे और स्केल पे चार्ज आ जाता था और उस स्केल को जब हम टाइनी बिट्स ऑफ पेपर के पास ले जाते थे वो बिकॉज ऑफ दैट चार्ज विच इज रिक्वायर्ड ऑन स्केल बिकॉज ऑफ रबिंग ऑन आवर हेयर वो पेपर अट्रैक्ट हो जाता था स्केल की तरफ चिपक जाता था सो वहां पे क्या हुआ जो चार्ज स्केल पे एक्यूमुलेट हुआ था स्केल की सरफेस पे उस सब्सटेंस की सरफेस पे वो वही एक्यूमुलेट होकर रह जाएगा वो कहीं और फ्लो नहीं करेगा जो पार्ट रब हुआ है सिर्फ वहीं पे वो चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा एंड उसी को कहते हैं स्टैटिक स्टैटिक मतलब एक ही पोजीशन पे एक्यूमुलेटेड और रुका हुआ जो मूव नहीं कर रहा तो वो था हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम नहीं पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ में मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाना चाह रही हूँ करंट मतलब जहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्लो ऑफ चार्जेस के बारे में कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर रहे हैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में और ये हम करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है जहाँ पे फ्लो ऑफ चार्जेस इन्वॉल्व है हम वो पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ में अब आपको क्लियर हो गया होगा स्टैटिक और करंट के बीच का डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में तो आइए हम देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है वो इस चैप्टर का क्या है वो है पोटेंशियल डिफरेंस आइए आपको कुछ समझाते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू आपको ये पता है मैंने एक यहाँ पे डायग्राम जैसे बनाया हुआ है दो यहाँ पे मैंने ले ली है बाल्टी समझ के आप इसको अज्यूम कर लीजिए या टम्बलर या टब अज्यूम कर सकते हो मैंने दोनों ये ए टम्बलर है ये बी टम्बलर है बाल्टी बोल सकते हैं दोनों ही बाल्टियों में बराबर के लेवल का पानी है और दोनों ही बाल्टियां एक ट्यूब से अटैच्ड है आई हैव टेकन अ ट्यूब आई हैव टेकन अ पाइप
to attach both the tubs. And I have filled the equal level, the same level of water in both of them. You will see there will be no change in the water level of both even when it is left undisturbed for some time. Kuch time isko chhod bhi denge, to bhi there will be no difference in the water level because dono mein hi same level of pani hai. Aur agar main dusra case dekhun, second situation, जहां पे बाल्टी जो है जिसको मैंने ए से लेबल किया है, जो टब जो मैंने फ्लास्क या टम्बलर ए से मैंने लेबल किया है, द वॉटर लेवल इन ए इज कंपैरेटिवली मच मोर देन द वॉटर लेवल इन बी. वॉटर लेवल जो ए में है वो बी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है. आप उसको जब छोड़ेंगे आप ये देखेंगे कि पानी यहाँ ए से जाके ए से ट्यूब के थ्रू निकलेगा, उस पाइप के थ्रू निकलेगा और वो बी में जाएगा बिकॉज बी में वाटर लेवल कम है. एंड इसका क्या मतलब हुआ, बहुत सिंपल सी बात है कि जब भी प्रेशर एक जगह पे ज्यादा होता है वहां से चीज ट्रांसफर होके दूसरी जगह पे चली जाती है जहां पे प्रेशर कम होता है. तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ. सिमिलरली अब मैं आपको समझाने वाली हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी से इसका क्या रिलेशन था. मैंने आपको ये वाटर का कॉन्सेप्ट इसलिए समझाया क्योंकि मैं अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझाने वाली हूँ. उससे पहले आइए आपको एक टर्म से रूबरू करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट. एक पॉइंट पे कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं. अब बेसिकली अगर मैं चाहती हूँ कि करंट मूव करे, चार्जेस मूव करे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो मुझे भी यही करना पड़ेगा. मुझे दो पॉइंट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा. एक जगह प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, दूसरी जगह कम होना चाहिए. इसी की वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो चार्ज है वो मूव करेंगे फ्रॉम अ हाई प्रेशर एरिया टू अ लो प्रेशर एरिया. एंड वो जो मैं पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी के हेल्प से क्रिएट करती हूँ. एंड बैटरी में मैं बात कर रही हूँ, वी हैव वन और मोर देन वन सेल उसमें है, एंड जो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगे वो हेल्प करेगा क्रिएट करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस. अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को बहुत टेक्निकल टर्म में बात करूं तो आइए इसकी एक बार डेफिनेशन रीड करते हैं. वो बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट. एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ होता है एक सर्किट जहां से करंट फ्लो करता है, उसमें कुछ करंट कैरी हो रहा है. आप उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करोगे, एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. बेसिकली जो बैटरी जो कि सेल में केमिकल रिएक्शन हुआ है उस केमिकल रिएक्शन की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, एंड बेसिकली उसी की वजह से अब जो मेरा करंट है वो फ्लो होने वाला है. तो मैंने बोला है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो काम कर रहा है, वो कुछ वर्क कर रहा है ताकि चार्ज मूव हो, बिकॉज चार्जेस मूव होंगे तो करंट आएगा, है ना. सो बेसिकली वो पोटेंशियल डिफरेंस एक काम कर रहा है चार्ज को मूव करने के लिए. यहीं से हमारा फॉर्मूला आ रहा है, मैं एक दो बार वापस बोलूंगी आप खुद ही फॉर्मूला बना लेंगे. वो पोटेंशियल डिफरेंस एक काम कर रहा है चार्ज को मूव करने के लिए. तो मैंने बोला एक काम कर रहा है तो मतलब वर्क डन हो रहा है. किस लिए वर्क डन हो रहा है, टू मूव अ यूनिट चार्ज, चार्ज को मूव करने के लिए. तो यहां आ गया हमारा फॉर्मूला वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज. एंड जो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस है उसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट. क्या होता है वोल्ट, क्या है इस पर्सन का नाम, ये पर्सन है इटालियन फिजिसिस्ट जिसका नाम है एलेजेंड्रा वोल्ट. क्या नाम है, एलेजेंड्रा वोल्ट, जिसके नाम पे ये ऐसा यूनिट रखा गया है वोल्ट. एंड वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या कर रहा है,
work done to move a unit charge. इसीलिए उसका formula है W which is work done divided by Q which is charge. तो मैंने अभी आपको बताया और ये वोल्ट किसके नाम पे रखा गया है, एलेजेंड्रो वोल्ट. एलेजेंड्रो वोल्ट इनके नाम पे ये रखा गया ऐसा यूनिट. जैसे मैंने 1 एम्पियर समझाया था वैसे मैं आपको समझाने वाली हूँ 1 वोल्ट. हमें पता है वर्क को हम मेजर करते हैं जूल्स में और हम चार्ज को हम लोग मेजर करते हैं कूलम में विच इज सी. तो क्लियरली 1 वोल्ट विल बी इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम. एंड अगर मैं इसको और बेटर वे से रिप्रेजेंट करूं सिंबॉलिकली तो कुछ नहीं करना, 1V इज इक्वल टू 1J एंड सी टू द पावर माइनस 1 क्यों आया, बिकॉज कोई भी चीज अगर डिनोमिनेटर में होती है तो मैं उसको न्यूमरेटर में लाऊंगी तो उसकी पावर माइनस में हो जाती है. एक्सपोनेंट्स में हमने ये चीज पढ़ी है. तो बहुत सिंपल सा था ये कॉन्सेप्ट. और अगर मैं बात करूं कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कौन करता है तो वो उस डिवाइस का नाम है वोल्ट मीटर. उसको पैरेलली अरेंज किया जाता है जैसे एमीटर को सीरीज में अरेंज किया जाता है. ये मैं आपको समझाऊंगी कि सीरीज और पैरेलल क्या होता है जब मैं आपको सर्किट डायग्राम से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी. आगे चलते हैं. मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए, जिन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपको लगेगा कि हाँ जी अब मुझे ये कॉन्सेप्ट आ गया है, आई नो दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल. सो लेट्स सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. फर्स्ट न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल्स है, फर्स्ट पे चलते हैं. अगर मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करूं, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, क्लियरली फर्स्ट क्वेश्चन में करंट दिया हुआ है. तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर करंट दिया हुआ है मतलब मुझे आई दिया हुआ है जो कि है 0.5 एम्पियर. इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स. तो टाइम क्या गिवन है मुझे, टाइम गिवन है मुझे 10 मिनट्स. याद रखेंगे हमेशा सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, 10 मिनट्स को सेकंड्स में करेंगे तो 10 × 60 व्हिच इज 600 सेकंड्स. ये आ गया. आगे चलते हैं. अब हम तो अब मुझे निकालना है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज को से मुझे क्या निकालना है, इसका मतलब मुझे क्यू निकालना है. मुझे पता है क्या फॉर्मूला है मेरा, मुझे पता है करंट का फॉर्मूला है क्यू अपॉन टी. और अगर मुझे क्यू निकालना है तो ये हो जाएगा क्यू विल बी इक्वल टू आई इंटू टी. टी को वहां जाके मैंने कर दिया मल्टीप्लाई. तो बहुत सिंपल सा है, क्यू निकालने के लिए मुझे 0.5 को मल्टीप्लाई करना है 600 से. अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा फाइनल आंसर. आंसर के आगे कूलम जरूर लगाना है बिकॉज हम चार्ज निकाल रहे हैं. इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपका क्या आंसर आया. अब चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हाउ मच वर्क इज डन, मतलब डब्ल्यू निकालना है. क्या निकालना है, डब्ल्यू निकालना है क्लियरली इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम. तो चार्ज है मेरा 2 कूलम और आगे दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट मेरा. तो मुझे निकालना है वर्क डन. अभी अभी फॉर्मूला हमने देखा V इज इक्वल टू W बाय क्यू. V होता है W बाय क्यू. तो मतलब W हो गया मेरा V इंटू क्यू. सिंपली Q को लेफ्ट साइड ले जाके किया मल्टीप्लाई. तो यहाँ पे मैं अगर V और Q को करूंगी मल्टीप्लाई तो मेरा आ जाएगा W. बस याद रखेंगे आंसर आएगा जूल्स में क्योंकि वर्क डन इज ऑलवेज मेजर्ड इन जूल्स. तो आप इस आंसर को भी सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में लिखेंगे. दोनों आंसर आने चाहिए कमेंट सेक्शन में. देखते हैं आपको कितना समझ आया है. यहाँ करते हैं अपनी कॉन्सेप्ट्स की वीडियो एंड. नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे ओम्स लॉ पे. बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसे. थैंक यू. वेरी गुड डे. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग.